जय श्री राम, जय कुंडली माता। मणिपुर चक्र सिद्धियों से भरा हुआ है, आप इसे कैसे प्राप्त करें ये मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम संत हनुमंत किंकर राजस्थानी है। देखो, ये मणिपुर चक्र तो मणियों से भरा मणि का सागर है। जो इसमें स्नान कर लेता है वो मणिमय युक्त बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। ये हमारे ये सोपान है, द्वितीय स्वर्ण सोपान है कुंडली जागरण का। और जैसे रथ की धुरी होती है वैसे हमारा शरीर रूपी रथ है, उसकी ये धुरी है और सारा जो है भार इसके ऊपर टिका हुआ है। मणिपुर चक्र को में अग्निकुंड भी, इसमें अग्नि तत्व है। मणिपुर चक्र में रम बीज है और इसमें अग्नि तत्व है, और हमें इसमें अग्नि तत्व की पूजा करनी पड़ती है। अग्नि तत्व की पत्नी का नाम स्वाहा है, अग्नि तत्व के पुत्र का नाम पावक और प्रवाहमान है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है द्वितीय मनु भी इसके पुत्र हैं और कार्तिकेय भी इसके पुत्र हैं। ये दिक्पाल है, अग्नि तो दिक्पाल, 10 दिक्पाल है ना, उनमें से दिक्पाल है। देखो भाई, इसमें शिव तत्व है। इसमें जो है हमें रम बीज के तो उपासना करनी पड़ती है, ओम रम रम रम, ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन इसका जो हरेक तत्व का जो वाहन होता है, इसका मेढा है, मेढा सिर से लड़ता है। तो जो साधक साधना करता बड़ा सांस ही बन जाता है, दुविधाओं से लड़ता है। और शिव भगवान इसके भगवान है। कौन है? शिव महाशिव, जिनको रुद्र का रूप है। वो गले में नागों की माला पहने हुए भस्म रमे हुए हैं, एक हाथ में डमरू और त्रिशूल है। उनकी हमें साधना करनी पड़ती है। जो इसकी साधना करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ, इसकी विधि इस प्रकार है। देखो, ये रुद्र रूप है। अरे शिव है ना, शिव कैसा रूप है? रुद्र रूप है। क्रोध है इनके मुखाग्नि पर, और जो इसकी साधना करता है वो सतश आयु वाला हो जाता है। इसलिए देखो, इसकी साधना की विधि बता देता हूँ। आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए और घर के बिल्कुल एकांत शांत कमरे में या शिव मंदिर में जाकर के बैठ जाइए। और बैठ करके आप जो है पूजा की थाली सजा दीजिए। उस पूजा की थाली में शिव जी का जिसका रुद्र रूप हो वो हमें स्थापित कर देना चाहिए। स्थापयामि शिव रुद्राय चित्रम स्थापयामि, या आपके पास शिवलिंग का हो तो शिवलिंग इसके अंदर स्थापित कर देना चाहिए। और फिर उनको प्राण प्रतिष्ठित कह देना चाहिए, हे भगवान शिव जी आप रुद्र रूप हो और शिव में आप में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। और उसके बाद में पूजा की सारी सामग्री वहाँ स्टेज पर रख देनी चाहिए, और पूजा की सारी सामग्री के ऊपर गंगा जल का छिड़काव देना चाहिए ताकि वो बिल्कुल विशुद्ध हो जाए। आप भी बिल्कुल अंतर्मन से और शरीर बाह्य से शुद्ध होना चाहिए। और फिर एक कलश में जल लेकर के आपके चारों ओर पूजा की सामग्री के ऊपर यूं उस जल के जो है लकीर खींच देनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की वायु शक्ति का कोई जो इफेक्ट नहीं हो उसके ऊपर। और उसके बाद में आप पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव का आह्वान करो। क्या करो? आह्वानयामि भगवान, ओम रुद्राय नमः आह्वानयामि है। उसके बाद में कहो आपाद्यम अर्घ्यम समर्पयामि। अगर मूर्ति हो तो उसको जो है पाद्य अर्घ्य ले लीजिए, चरणामृत ले लीजिए, हाथ आचमनम समर्पयामि। और उसके बाद में कीजिए स्नानम समर्पयामि। मानसिक पूजा बता रहा हूँ, मानसिक मन से ही सब बातें अपने आप शास्त्रों में लिखा हुआ। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास सामग्री तो मन से सामग्री जैसे स्नानम समर्पयामि कह दिए। उसके बाद में कहना पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत का मतलब यह दूध दही मधु शहद और शक्कर, इनसे उनको स्नान करवाना, उसे पंचामृत स्नान। और फिर गंगा जल स्नान समर्पयामि, शुद्ध वस्त्रम स्नान पहुँच देना, वस्त्रम समर्पयामि, आभूषणम समर्पयामि। और एक जो है इसके ऊपर अक्षत चंदन, चंदन का यूँ टीका लगा लेना, चंदन समर्पयामि। एक फूल होता अर्क का, किसका? गुलाल अमीर तो समर्पयामि कहते, लेकिन सफ़ेद अर्क होता जो अभी मैं अपने टेबल पर पड़ा हुआ, वो सफ़ेद अर्क होता है। अर्क का मतलब होता है
ये आंकड़ा राजस्थानी भाषा में जिसे आंकड़ा कहते हैं, वो हिंदी भाषा में जिसे अर्थ कहते हैं, उसका फूल बिल्कुल श्वेत होता है। और दूसरा जो अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसका फूल होता है बैंगनी, और ये सफ़ेद अर्थ का फूल बिल्कुल जो है सफ़ेद होता है। इसका पुष्प पुष्पम समर्पियाम, क्या बोलो, और शिव जी के ऊपर वो पुष्प चढ़ाने अर्पित कर दी। और इसका एक फल होता है जिसके राजस्थानी भाषा में भैया कहते हैं, बिल्कुल यूँ कच्ची कैरी होते ना, इसके समान होता है, उसको हम जो है कहते हैं, ये देखो ये पुष्प है ये, और ये देखो सफ़ेद अकड़ा जिसे सफ़ेद अर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सफ़ेद अर्क, देखो इसमें बिल्कुल सफ़ेद, इसमें पुष्प बिल्कुल सफ़ेद है, ये शिव जी के यही चढ़ता है, शिव जी रुद्र स्वरूप शिव जी है, उनके ऊपर यही चढ़ता है, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते। और ऋतु फल के अंदर इस पुष्प के अंदर फिर फल आता है, वो फल ही शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, मैं कहता हूँ इसे निर्माल्य कहते हैं। अगर चढ़ाते आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो भव जी शिव जी के ऊपर चढ़ाओ फूल, अपनी जेब में डाल करके जाइए, आपका सारा कार्य शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में गंधम अत्र लगा दीजिए, अत्रम गंधम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, नैवेद्यम, आपने नैवेद्य बनाया, एक तो इसमें शिव जी को पंचामृत पंचामरा औषधि होती है, निर्गुणी विजय आदि मिला करके बना जाता है, वो इसको समर्पयामी कर देना, फिर अक्षत चंदन ये करके। और मंत्र है, क्या मंत्र है इसका, और रुद्र शिव है, कौन है रुद्र शिव, रुद्र शिव का मंत्र है, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, इसमें माला रुद्र की होती, भगवान शिव की होती है, ये जो रुद्राक्ष होता है ना उसकी माला काम आती है, ओम रुद्राय नमः, बिल्कुल ध्यान पूजा कर ली आपने शिव जी की, पंचांग पुष्पांजलि समर्पण, जलमा जलांजलि भी समर्पण कर दीजिए आप, फिर आप ध्यानस्थ होकर के ओम रुद्राय नमः, ओम प्रतिदिन स्नान करके, पांच शास्त्रों में तो पांच का समय, लेकिन आप तीन समय में तो ये जो है मंत्र बोलेंगे, पूजा करेंगे, प्रातःकाल मध्यान्ह और सायंकाल, यह तो बहुत जरूरी है। और ध्यानस्थ होकर के रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के, और ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, कम से कम दस माला पहले रोज नियमित, अगर आप 7 बजे बैठते हो 7 बजे ही बैठना पड़ेगा, और आप अगर 10 माला फेरते हो तो 10 माला ही फेरने पड़ेगी। और मंत्र ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः मंत्र फेर 10 माला फेर ली, कम से कम 100 माला का आप जो है हवन कर, हवन का मतलब बाजार में मिलता है शकुन ताम्र का, और उसमें आप जो है हवन का मतलब उसमें साकल्य जिसे कहते हैं, तिल जो और शक्कर मिली हुई होती है और घी, और फिर इनको मिला करके साकल्य बनता है, उसको सहवे में लेकर लीजिए या चम्मच में ले लीजिए, ओम रुद्राय स्वाहा बोलना, अब नमन नहीं बोलना, जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलना, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, 10 माला फेरनी फेरे तो रुद्राय नमः, इसके 10 माला, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, 10 माला फेर ली, और फेरने के बाद में क्या करना, इसके 100 हवन कितना, 101 माला फेर लीजिए पूरी, ए हवन ओम रुद्राय स्वाहा, उसमें यज्ञ कुंड है ना, उसमें चम्मच लेकर के और बोलना ओम रुद्राय स्वाहा, और फिर ओम रुद्राय स्वाहा 1 माला फेर ली, और उसके बाद में अभिषेक किया जाता है, उसके बाद तर्पण किया जाता, तर्पण का मतलब जल लेकर के और पिंड बना करके उसमें तर्पण ओम नमः शिवाय तर्पयामी, ओम स्वाय नमः शिवाय तर्पणयामी किया, और फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत जरूरी है, और भोजन करने के बाद उसको दक्षिणा दे, वो आपका आशीर्वाद देगा, आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और भी मैं मंत्र बताता हूँ, ओम शम स्वाहा, छोटा सा मंत्र है भगवान, ओम रुद्र रूपणीय स्वाहा, अरे रुद्र के साथ महाकत्व तो आपको मंत्र जपना ही पड़ेगा, दोनों जपेंगे तब सिद्धि होगी नहीं, तो ओम रुद्राय नमः के साथ
ओम, दूसरा माला अलग अलग पर उसकी हजार फेरे इसकी भी, ओम रुद्र रूपणे स्वाहा, ओम रुद्र रूपणे स्वाहा। तीसरा मंत्र है छोटा सा, ओम सम स्वाहा, बिल्कुल तीन अक्षर है, ओम सम स्वाहा, ओम सम स्वाहा। चौथा मंत्र बता देता हूं, मृत्युंजय पालय पालय मृत्युंजय, बस इतना ही। क्या बोल, अरे मृत्युंजय तो है रुद्र, कौन है, अरे ये प्रलय करते हैं ना, इसलिए इनका नाम मृत्युंजय है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। ओम मृत्युंजय, ओम मृत्युंजय, मृत्युंजय पालय स्वाहा, ये मंत्र जपो। और उसके बाद में और भी मंत्र आपको कल मैं बहुत से मंत्र बताऊंगा और मणिपुर के बारे में और बताऊंगा। बोलिए कुंडली माता की जय हो, मणिपुर चक्र की जय हो।